हेलो दोस्तों, ममता किचन स्टार हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो हम बताते हैं आपको हमने उसके लिए क्या क्या लिया है। देखिए, 150 ग्राम हमने बादाम लिए हैं, 150 ग्राम काजू और 150 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम है ये पिस्ता। खजूर लिया है हमने आधा किलो, जिसे इस तरीके से देखिए हम छील लेंगे। बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, और इसमें कुछ मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं ये। और ड्राई फ्रूट्स में भी सारे में मिठास होती है। ये देखिए, बहुत ही आराम से छिल रहे हैं ये, चाकू यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ध्यान रहे, एकदम सॉफ्ट खजूर देख के लाने हैं हमें, जिसमें मिठास भी ज़्यादा होती है और वो ताज़े और अच्छे भी होते हैं। ये देखिए, 2 बड़े चम्मच हमने देसी घी यूज़ किया है। इसे गर्म कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। ये देखिए, घी गर्म हो चुका है हमारा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे इस तरीके से। और ध्यान रहे, इसमें देसी घी ही यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए ये, और ठंडों में बहुत ही फायदा करते हैं ये इस टाइम पे। इन लड्डों को दोस्तों न्यू मदर भी खा सकती हैं, और इसे हाथ पैरों के दर्द में भी बहुत ही आराम मिलता है। इससे दिमाग भी तेज होता है, और लड्डू का छोटा साइज बनाएं तो बच्चों को भी दे सकते हैं इसे दिन में एक, फायदा करते हैं बहुत ही। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, कलर भी इनका चेंज हो गया है। ध्यान रहे, हमें ज्यादा लाल नहीं करना इनको, इस स्टेज पर हम निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे खजूर और इन्हें भी रोस्ट करेंगे अच्छे से। ये देखिए, खजूर को भी मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे हम अच्छे से, और जब ये हो जाएंगे तो सारे इकट्ठे होने लगेंगे इस तरीके से, और घी भी छोड़ देंगे थोड़ा ये, और कढ़ाई से भी एकदम अलग हो जाएंगे ये। ये देखिए, इस तरीके से पलटे की मदद से हमने इसे अच्छे से दबाकर सॉफ्ट कर लिया है बिल्कुल, और इससे पता लगता है हमें कि खजूर हमारा बढ़िया है और सॉफ्ट है। इसे बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरीके से आराम से दब रहा है ये, और खजूर हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, खट्टा भी हो चुका है एक बार में ये देखिए। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे हमें एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे डालेंगे एक पन्नी के अंदर, साफ पन्नी ले लीजिए आप भी इस तरीके से। और अब हम इसे एक बेलन की मदद से इस तरीके से कूट लेंगे, और दर दर ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हो मिक्सी में डाल के, और आप इसे अदरक के, जिससे अदरक कूटते हैं हम, उससे भी कूट सकते हैं, उससे भी आराम से कूट जाएंगे, और ऐसे भी आराम से कूट जाते हैं। ये देखिए, हो चुके हैं। आप जितना चाहे उतना चूरा बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसा खाना चाहें उस तरीके से रखें मेवाओं को। ये देखिए, ठंडा हो चुका है ये, और ड्राई फ्रूट्स भी हमने सारे कूट लिए हैं, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सारे। ध्यान रहे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है हमें, थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए जिससे कि हमारे लड्डू अच्छे से बने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, सारी मेवा हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया, और हल्का सा गर्म है ये अभी, और इसे गर्म ही रखना है ताकि लड्डू अच्छे से बने। ये देखिए, आधा चम्मच लिया हमने इलायची पाउडर, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर इसका इलायची का। मीठे में इलायची जरूर डालनी चाहिए, अच्छी लगती है। ये देखिए, इलायची को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू आप छोटे बड़े भी कर सकते हो आराम से। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं लड्डू, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है ये। ये देखिए, राउंड बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं ये, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथों पर चिपक रहे हो, तो आप हल्का सा देसी घी लगा सकते हो हाथों पर, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देसी घी हमने यूज़ भी किया है, और ड्राई फ्रूट्स में चिकनाई भी होती है, इसलिए चिकनाई की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं, और साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं, कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से आराम से हो रहे हैं ये। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और आप इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबके साथ शेयर कर सकते हो। सर्दियों में खाने वाली बहुत ही अच्छी आइटम है ये, बहुत ही आराम से बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही फायदेमंद होते हैं ये। इसे सब खा सकते हैं, किसी के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं है। इसलिए आप मेरे तरीके से एक बार ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाकर देखना, और मुझे बताना कमेंट में कि आपके लड्डू कैसे बने।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।